गाँव में अभिमन्यु नामक जन व्यक्ति पनीर बिरयानी बिक्री करूला। दिने अभिमन्यु बजार पनीर बिरयानी ठेला लग ग्राहक मानक डाक छाड़ूला। आसंतु आसंतु आउ पनीर बिरयानी रो आनंद उठांतु। समस्त को धंदा ए समय रे चालुची मांदा। मो बिरयानी सहित मिसीथिबा पनीर आपन को ए गरम रे कर देबो ठंडा। सेते बेले सेठा को मुखिया आसी अभिमन्यु को कहबा को लागिला। अरे कोन कथा अभिमन्यु, केते समय हला देखुची ग्राहक को तू डाको देउछु किंतु के तोरो पनीर बिरयानी खाइबा को तो आसुनांदी। एमती कथा नुहे मुखिया बाबू, किसी समय पर देखिए जे केते ग्राहक मो ठेला को आसुछंती बिरयानी खाइबा को आनंद नेबा को। अभिमन्यु एहाला गरम दिन, तू पनीर बिरयानी बिकिबा जगह रे किछि नुआ जिनिस काई कि बिक्री करनु? ना मुखिया बाबू, पनीर बिरयानी मोर बापा भी बिक्री करथिले, आउ से ही मते पनीर बिरयानी तयारी करिवार सिखाई दिले। मु एही धंधा को छाड़ी परिबिनि। किछि समय भितरे अभिमन्यु रो ठेला को लोकमानकर भीड़ जमीबाकु लागे। आउ देखु देखु अभिमन्युर पनीर बिरयानी शेष हो जाए। मुखिया हसी हसी अभिमन्यु को कहबाकु लागे, मानी गली अभिमन्यु, तोर पनीर बिरयानी रो स्वाद गरम रे भी तो आड़कु टाणी आणु छी। अभिमन्यु हसी हसी घर को चली जाए। आउ मुखिया बहुत दुखी होई निजर जमी आड़ को चली जाए। जमी रे तार भणजा चंदू मुखिया को अपेक्षा करी रही थिला। दादा कौन आपण अभिमन्यु सहित कथा हेले? हाँ मु ताको मो हिसाब रे कहली जे से पनीर बिरयानी बिकिबा बंद करू, आउ किसी अन्य जिनस बिकिबा आरंभ करू, किंतु सी मना कर दला। दादा अभिमन्यु रो पनीर बिरयानी एते प्रसिद्ध जे जदि मु ता आगरे किछि भी जिनस बिकिबा को ठेला लगाई बिकिबी तबे ताहा बिक्री हेबनी, मोर रोजगार रो कौन हबो? चिंता करनी तमे चंदु, मु काली उपाय भाबी कर तुमको निश्चय कहिबी। ए पटे अभिमन्यु रो स्त्री बिंदिया अभिमन्यु को कहबा को लागे, काली तमर पिठी पछरे मुखिया घर को आसीथिले, कहुतिले जे गरम रो ऋतु चालीछि, तमे निजर स्वामी को आउ किछि बिक्री करबा पई काहे के कहू न? ए मुखिया बाबू बिना मो पछरे हाथ धोई पड़ी गलेनी। अरे भाई जेबे मोर पनीर बिरयानी सारा गाँव रे प्रसिद्ध अछि तेबे मो अन्य जिनस काहे बिकिबी? सत कथा, तमर पनीर बिरयानी तो भीषण गरम रे मध्ये लोक खाइबा को पसंद करछन्ती। आगामी दिन मुखिया निजर भणजा चंदु को कहबा को लागे, मो उपाय भाबी नै छी चंदु, तुमे आज ठेडो अभिमन्यु ठेलार आगरे पनीर बिरयानी ही बिक्री करिवो। दादा आपन को लागु छै जे मोर तयारी पनीर बिरयानी ग्राहक किणिबे? पूरा कथा तो सुनिने चंदु, तू निजर ठेलार आखपाखरे भल वेराइटर छत्ता मध्ये रखिबो जद्वारा लोकंकु बसिबारे सुविधा हेबो, आउ ता सहित तुमे प्रतिटी पनीर बिरयानी रो प्लेट सहित गुटे कोल्ड ड्रिंक मागणार लोकंकु देबो। दादा एमिति कल तो मते फायदा कम आउ क्षति बेसी हेबो। मूर्ख केउठिकार, जेबे तुमे एमिति करिवो तबे सब ग्राहक तो आडकु आपे आपे चली आसीबे, थोरे तार ग्राहक मुड़ी करी तो पाखु आसी गले तेबे ता परे तो निज मन मुताबक तू बिरयानी प्लेट रो दाम को बढ़ाई देबु। तू जानी नौ चंदु, एही देशर लोके मागणा जिनस देखि बहुत शीघ्र टाणी आसंती। आउ रहिला प्रश्न अभिमन्यु रो, ताहले ता ठाइला संगरे मते कोन करबा को हेबो एहा मु भलो भाबे जानी छी। आगामी दिन चंदु मुखिया रो कहबा अनुसार सीए निजर आख पाखरे भलो वैरायटी रो छत्तावाला कुर्सी मध्ये रखे नेला, आउ ग्राहक मानको डाक छाड़ीबा को लागिला। आसंतु आसंतु, आपण माने समस्ते अभिमन्यु रो खरा पनीर बिरयानी रो बहुत स्वाद चाखिनेले, थरे मो तयारी पनीर बिरयानी रो स्वाद को चाखिनियंतु, आउ मागणा रे गोटे कोल्ड ड्रिंक रो आनंद उठांतु। जाने ग्राहक चंदू को कहबा को लागे, अरे भाई कौन तमे सतरे गोटे प्लेट पनीर बिरयानी सहित गोटे कोल्ड ड्रिंक मागणा रे देबा? हाँ हाँ भाई मु मजा करनी, आउ ता सहित तुम्हें अभिमन्यु ठेले रे गरम रे पनीर बिरयानी खाउथिलो, आउ एठा रे एही छत्ता तले आराम रे बसी करी पनीर बिरयानी रो आनंद उठाओ, आउ एही गरम रे ठंडा ठंडा मागणा कोल्ड ड्रिंक रो आनंद मध्ये उठाओ। अरे वाह भाई, ताल तो मजा आसी जीवा। किछि दिन भितरे अभिमन्यु रो सब ग्राहक
अभिमन्युको छाडी दे चन्दुर ठेला पाखको पनिर बिरियानी र आनन्द उठाइबाकु लागिले। अभिमन्यु र आमदानी शेष हेबाकु लागिला। जति मुखियार भणजा गोटिए कोल्ड ड्रिङ्क मागणारे देउछि, तेबे तमे भी काहेकि कोल्ड ड्रिङ्क मागणारे देउन? ए केमिति कथा कहुछ बिन्दिया? एमिति त मुँ लोकंकु बहुत सस्तारे पनिर बिरियानी बिक्री करथुलि, जदि मुँ कोल्ड ड्रिङ्क मागणारे भी देबि ताहेले एमिति त मते मो घर भी बिक्री हेइगला भळि लागुछि। एबे मुँ बुझि पारुछि जे मुखियाजी बारम्बार मते एइ धन्दा छाडिबा पई काहि कहुथिले। आज मु मुखिया बाबूंक सहित कथा हेइ रहिबि। संध्या समय रे अभिमन्यु मुखिया घर को चली गला। अभिमन्यु को देखी करी मुखिया मुह को बहुत खराब भाबे करी कहियाकु लागिला, कथा कोन अभिमन्यु एठी काई आसिल? देखंतु मुखिया बाबू, मु जानि जे आपनकर मो सहित कोन शत्रुता अछि, किंतु आपनको पुतुरा मो सहित ठीक करुनी। काहे कि भाई, ए गाँव रे कोन तमे एकला पनीर बिरियानी बिकिबाकु अछ? ना मुखिया बाबू, मु एमिति तो कहिलिनी, किंतु आपनको पुतुरा चंदु मो बिरियानी रो खराब सब जगह रे कहूछि, तापर से मो ठेला आगरे ही बिरियानी केमिति बिकि परिबो? अभिमन्यु, तुमे निजो सीमारु बहुत आगक बढ़ी जाउछ। समस्तंकर व्यवसाय करिवार निजरा अलग अलग पद्धति अछि। आउ हाँ, एबे जेबे कथा ए पर्यंत आसीगलानी, तबे तुमे ध्यान दे शुण। तुमर बापा बहुत वर्ष आगर मोठ कर्ज नहींथिले, जहाँ से मते फेराई नहंती। तबे आपण कहिबो कोन चाहंती मुख्य बाबू? तेबे तुमे तांको पुओ अट, एथिपाई तुमर कर्तव्य हला जे तुमे तांकर कर्ज दे दियो। मोर आर्थिक स्थिति ए समय रे खराब अछि मुखिया बाबू, ताहा भी आपणको पुत्र कारणरु। किसी असुविधा नाही, तुमर ठेला केउ कामर आसिबो, काली पर्यंत निजर ठेला को एठर छिडे कर चल जिवो, नहले मु तुमर ठेला को तुमर घर रु उठाई नेबी। अभिमन्यु मुह को उदास करी सेठरु चली गला। आगामी दिन मुखियार लोक मैंने अभिमन्युर ठेला उठाई नहीं गले। अभिमन्यु बेरोजगार होगला, किसी दिन एपर ही कटिगला। शेष तमें केते दिन एपरी घर ही बस रही कि मु बुझी पारुनी बिंदिया, ए पर्यंत कि धंदा उठेला हाथ रु चली गला, एबे मु कौन करी? मुखिया निश्चय तुमको मिछ कथा कही, तुमर बापा को स्वर्गवास जाए तो बहुत वर्ष हो गला, सीए तो तुमको केबे मधे विषय कही ना जे मुखिया टारु सी कि पैसा उधार नहीं थी ले? जानी छे बिंदिया, किंतु जानी पर परे मधे मु किछि करि परिबिनी। एमिते लागुछे जेमिते ए गां को छाडी करि जिबा को पड़िबो, आउ एमिते भी मोर एठारे मन ही लागुनी। एति की कहि अभिमन्यु रागरे गोटिए बॉक्स को लात मारि देला। बॉक्स भीतरु किछि सामान तळे पड़िगला। ए कोन कोले तमे? या तो तुम बापांकर पुरणा बॉक्स थिला। अभिमन्यु निजर स्त्री रा कथा रा कौनसी उत्तर देला नाही, आउ सिए बॉक्स भितरु पड़ीतिबा गोटिए बहुत पुरणा कागज को पढ़िबाकु लागिला। ए तमे कोन पढ़ी जाउछ? कोन अछि थिरे? ए तो बापांकर लेखा पत्र, केवल बापा ही ए गां रे पंचम श्रेणी जाय पढ़ीतिले, एथिरे बरफर बिरियानी विषय रे किछि लेखा आइछि। हठात अभिमन्यु को किछि मने पड़िगला। मते मने पड़िगला, बापा बरफर बिरियानी विषय रे माँ सहित कथा होउथिले जे से गोटे दिन बरफर बिरियानी तैयारी करी बिकिबे, लागुछि एहा सेइटा। जदि इपरि कथा तेबे तमे बरफर बिरियानी काहे कि बिक्री करुनो? जदि तम पाखरे पैसा नाही तेबे मो पाखरे गोटे रूपार हार पड़िछि, तमे ताको बंधा रखि आस, आउ निजर धंदा पुणि थर आरंभ कर दियो। अभिमन्यु सेइ दिन सेइ हार को बंधा पकि किछि पैसा नै आसिला, आउ चाउल किणि आनी निजर बापांकर लेखिथिबा नुस्का अनुसार चाउल को रांधि करि ता उपरे बरफ पकाई देला। बिंदिया, बरफर बिरियानी तो तयारी करि प्रस्तुत हो गला। तम सहित मु मध्ये बिक्री करबा पई चेष्टा करबि, आमे आमर पुरना जगरी खरारि छिडा होई याको बिक्री करबा। अभिमन्यु बिंदिया सहित निजर पुरना जगार कोइ चली गला, आउ डाक छाडीबाकु लागिला। आसंतु भाई आसंतु, आपण समस्त पनीर बिरियानी बहुत खाइले, थरे आपण बरफर बिरियानी खाई थंडा थंडा कुल कुल हेबार आनंद उठांतु। सेते बेले जने ग्राहक सेठा को आसी कहबाकु लागिला, अरे भाई, पनीर बिरियानी छोले बिरियानी ननवेज बिरियानी विषय तो सुनथिली, किंतु बरफर बिरियानी विषय तो प्रथम थर मु सुनिछि। देखु छ ना केते भीषण गरम अछि, थरे मात्र बिरियानी खाइबार आनंद उठांतु, आउ थंडार मजा नियंतु। दियो भाई मते गोटे प्लेट दियो। अभिमन्यु गोटे प्लेट रे बरफ बिरियानी से ग्राहक को दे देला।
बिरयानी खाइबा मात्रे सेही ग्राहक कहिबाकु लागिला, अरे भाई बरफर बिरयानी को खाइगुड़ी तो मते एमिते लागिला जे जेमिति को मु डिसेंबर रो सर्दी आसी गला। सेही ग्राहकर कथा सुनी करी सब ग्राहक माने अभिमनुर बरफर बिरयानी खाइबा पई चली आसिले। किछि दिन भितरे अभिमनुर बिरयानी निज गांरे एवं आख पाखर सब गांरे प्रसिद्ध होइगला। अभिमनुर बरफर बिरयानी जी भी खाउथिला ताकु भीषण गरमरे मध्य गरम लागुनथिला। दिने अभिमनुर स्त्री अभिमनु को कहिबाकु लागिला, तम बापांकर बरफर बिरयानीर नुस्का जदि आमको मिलिनथंदा तेबे आमे तो रास्ता कडुकु आसी जाइथिले। तमे ठीक कहुछ, पापा बापा ही होइथांति, एई संसारो जीवा परे मध्य से मोर सहायता कले। मु चाहुछि जे एई भीषण गरमरे बिचारी बहुत गरीब लोक गरम कारणरु हैरान होउछंती, जहांग घरे ना कूलर अछि ना कोनोसी पंखा, तमे तांकु एई बरफर बिरयानी मागणरे खुआओ। अभिमन्यु को निज स्त्री रो एई परामर्श पसंद आसिला, आउ अभिमन्यु सेही दिन ठारु गरीब लोकमानकु बरफर बिरयानी मागणरे खुआइबाकु लागिला। एबे गाँरे जहाँकु मते गरम लागुथिला सी अभिमन्यु पाखकु आसी जाउथिला, आउ अभिमन्यु गाँरे गोटे दोकान किणिनेला, आउ एबे से गाँरे दोकानरे ही बरफर बिरयानी बिक्री करुथिला। एहा देखिकरी चंदु मुखियाकु कहिबाकु लागिला, दादा आमर सब योजना उपरे पानी पड़गला। ठीक कहुछ तमे, किए जाने से चंदु पाखरे बरफ बिरयानी तैयारी करिवार कौशल केमिति आसीगला, तार बरफ बिरयानी खाइबा पर तो काहाकु गरम ही लागुनी, एबे तो दूर दूर लोक आसिकरी तार बिरयानी खाइबाकु लागिलेनी, ताहा भी केवल एही कारणर खाउछंती कारण से निजर शरीर गरम को दूर करिपारिबे। तबे किछि करंतु दादा, जेबे शत्रु शक्तिशाली हो जाए तेबे ता सहित शत्रुता नुहे बंधुता करने दरकार, चल मो सहित। मुखिया चंदु को नहीं अभिमनुर घर को चलीगला। मुखिया एवं चंदु को देखिकर अभिमनु चमकी पड़ी कहवाक लगला, मुखिया बाबू आज आपणकर गरीब घर केमी मन पड़ा। अभिमन्यु तुमर बरफ बिरयानी तो दूर दूर जाए प्रसिद्ध हो जाएगी, एबे तो लोके आमर गाँवर नाम मध्य बरफर बिरयानी नाम जानवा को लगे, किंतु मु तुम सहित बंधुता करने आसी। मोर आपणकर कौन सी शत्रुता नथिले मुखिया बाबू, तेबे बंधुता क्यों काम? तू हेलु सबुठ बड़ मूर्ख अभिमन्यु, तुम हाथ में बरफर बिरयानी कौशल अच्छी, लक्ष लक्ष टा रोजगार करू, किंतु तू पैसा कमे जगार गरीब भिकारी मानू मगणारे बरफर बिरयानी खुआउ। मत लगी बोधु आपण भूल पश्चाताप होती आपको आंतु मु भूल थी मुखिया बाबू, पैसा ही सबको न थाए, गरीबों साय करवा द्वारा आम मन को जो शांति मिलता है ना, ताहा केते भी पैसा दे किणा जाई पारि न थाए, आपण ठारु जाई पारंती। मुखिया एवं चंदु मुह को उदास करी सेठारु चली गले। अभिमनु आजी मध्य बरफर बिरयानी तैयारी करुछि आउ ताको बिक्री करुछि।